आइए हम लोग 10th के सोशल साइंस का टॉपिक है इसका अध्ययन करते हैं आज। ठीक है, आपको मालूम होगा जैसा कि इंग्लिश में बता चुका था पहले भी, आपके 70 मार्क्स का लिखित पेपर होगा, ठीक है, और 30 मार्क्स का प्रोजेक्ट। तो जो 70 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें जो है चार पार्ट होते हैं, हिस्ट्री और भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है, और उसके बाद आपका नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र से संबंधित। बहुत सरल है, आसान है, आपका सारे तैयारी आप बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 10 नंबर के 32 मार्क्स के 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 5-5 मार्क्स के जो है मैप भरने को आता है। रिटन में थोड़ा सा ये होता है आप स्टोरी के तरीके बस चीज़ों को सीखें, ठीक है, इसलिए मैं अब आपको इसमें भूगोल वाला आपको पार्ट, ठीक है, संसाधन एवं विकास, इसका पहला चैप्टर है ये आपको कराने जा रहा हूँ क्रम से, ठीक है, ये 10th क्लास के लिए। आइए सीखते हैं, ठीक है। NCERT नया पैटर्न जब से बदला है तब आप पहले NCERT को कवर करें, उसके बाद अन्य बुकों को पढ़ें, ये मेरी सलाह रहेगी, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। नंबर अलग बात है, क्योंकि आगे कंपटीशन में भी NCERT से ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इसी से पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो इसलिए इसको ध्यान से आइए समझते हैं, ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको हम लोग। देखिए क्या है, जो है देख सकते हो, ठीक है, संसाधन एवं विकास क्या होते हैं, आइए इनको चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, क्या आप लोगों ने कभी, जैसे कोई भी हमारे आसपास चीज़ है, सामान है, ठीक है, उसको जो इस्तेमाल करते हैं हम अपने भौतिक जीवन या किसी भी प्रकार का अच्छा जीवन स्तर बनाने के लिए, तो ये सभी वस्तुएं या चीज़ें हमारी संसाधन है, ठीक है, तो आइए इसी में पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते जाते हैं, चर्चा करते जाते हैं। देखिए, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाती हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और उनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थ का नाम बताएं, ठीक है, ये आपका घर का होमवर्क है, आप कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं इस विषय में, ठीक है। फिर आइए पढ़ते हैं हम लोग, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, प्रौद्योगिकी का मतलब इंजीनियरिंग, ठीक है ना, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। आर्थिक रूप से संभाव्य यानी कि अगर पैसे रुपया के हिसाब से उसको किया जा सकता है, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, जो हमारा कल्चर है वो उसको सूट करता हो, उसे स्वीकार करता हो, एक संसाधन है। उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, उन वस्तुओं को संसाधन बोलेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं, जैसे आपकी भौतिक वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है, यह आप समझ पा रहे होगे, ठीक है, में संबंध है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति जो प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। अच्छा देखिए, हाँ यहाँ थोड़ा आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। देखिए क्या है, जो संसाधन है तो जो उपयोगी होती है उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। अब मान लीजिए पहाड़ है, पर्वत है, तो उसमें जो खनिज हैं वो आपके लिए जो है, जो जैसे जानवर है उसके लिए तो कोई मूल्य नहीं रखता, लेकिन इंसान ने क्या किया, उसकी पहचान की, पहचान करने के बाद उसका उपयोग किया, तो इसलिए जो है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसको हम हर चीज़ को संसाधन नहीं बोलते। जो उपयोगी है, मनुष्य ने जिन्हें बना रखा है, बना लिया है, जिन्हें या औद्योगिक में इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं, पर्यावरण में जो उपस्थित हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन बोलते हैं, ठीक है। इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, तो कई आधार हैं इसके, तो नंबर का में बांट दिया गया है उत्पत्ति के आधार पर, तो जैव हो सकते हैं या तो अजैव हो सकते हैं, ठीक है ना, जैव या अजैव हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो अगर समाप्तता के आधार पर बात करें तो नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य, ठीक है ना, जैव अजैव मतलब जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जो जीवों से नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है, खनिज वगैरह ये सब अजैव हो गए, और जीवों से दूध घी ये सब जैव हो गया, अन्य पदार्थ दवाई औषधियाँ, है ना। खा नंबर में समाप्तता के आधार पर
जो है नवीनीकरण, जो नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं ना और जिनका कभी ख़त्म नहीं हो सकते, अनवीनीकरण, दो हो गए, ठीक है। उसके बाद ग्यारह नंबर तीसरा सेक्शन बांटा गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम लोग संसाधनों को क्या बोल सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामुदायिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, कम्युनिटी के हो सकते हैं, है ना, पर्सनल कम्युनिटी के, और नेशनल लेवल के हो सकते हैं हमारे राष्ट्र के, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद घा नंबर की बात करते हैं, अगला किस क्रम में बांटा गया, विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर पर भी बांटा गया है, तो उसमें कौन सा है, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, ठीक है, इन तीन भागों में बांटा गया है। अब देखिए एक ही बगल में आप फिगर देख पा रहे होंगे, ठीक है, देखिए वर्गीकरण देख लेते हैं जरा, कि ये देखिए फिगर आपका बना हुआ है, पहले ये क्या संबंध दिखा रहा है आपका आपस में, देखिए ये संबंध क्या दिखा रहा है कि ये मानव है, ठीक है, मानव ने जो है क्या किया, प्रकृति से भौतिक पर्यावरण में जो उपस्थित है उसको, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को मिलाकर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके उसने किस में बदल दिया, उसने आपस में तालमेल बना के संसाधनों में परिवर्तित कर दिया भौतिक चीज़ों को जो प्रकृति में उपलब्ध थी, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रायंगल द्वारा समझाया गया है। देखिए सोशल साइंस में ये ट्रायंगल, फिगर, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न और उत्तर लिखते हैं, इसीलिए उनके मार्क्स कभी 100 में 100 नहीं आते सोशल साइंस में, और फिर बाद में बोलते हैं नहीं या किसी के नहीं आते, ऐसा नहीं होता। आप अगर अच्छा लिखेंगे, अपनी बात कम से कम शब्दों में अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो आपको बेहतर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि सोशल साइंस में आपको लिखना बहुत होता है, तो कुछ लिखिए, कुछ आप चित्र के द्वारा उसको समझाइए, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, आप संसाधन का जो ये प्रवाह आरेख बनाया गया इसे समझते हैं क्या है ये। देखिए संसाधन को कैसे बांटा गया है, संसाधन को आप देख सकते हो, ये संसाधन है, संसाधन को प्राकृतिक और मानवीय दो भागों में बांट दिया गया। प्राकृतिक में आपको जो है एक नवीनीकरण, ठीक है, नवीकरण और एक अनवीकरण, और मानवीय में आपको संरचनाएं एवं संस्थाएं हो गई और मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर हो गया। नवीकरणी में सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, जो हमेशा बहते रहते सबके लिए फ्री हैं लगभग, वो हो गए। एक जैव वाले हो गए, ठीक, तो जैव में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हो गए, ठीक। इसके बाद अगर अनवीकरण की योग की वाली बात करें संसाधन की, तो उनको दो भागों में बांट दिया गया फिर से, एक पुनः चक्री और एक अचक्री। पुनः चक्री होते हैं जैसे जिन पदार्थों को वापस रिसाइकिल किया जा सकता है, ठीक है, जैसे धातुएं, कबाड़ा भी आ जाता है, लोहा लेकर चला जाता है, फिर आपका आ जाता है वापस, है ना, दूसरी चीज़ बन के। अचक्री जैसे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन जैसे आपका क्या, कभी जीवाश्म ईंधन जो एक बार चल गया, क्या उसको आप दोबारा कन्वर्ट कर सकते हो किसी में, नहीं, उसका एक साइकिल नहीं है, जो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। एग्जांपल के तौर पे पेट्रोलियम, डीजल पेट्रोल हजारों सालों की देन है, ये हम लोगों के उसमें बदल रहा है, ठीक है, और नीचे अब उसका खनन करके हम लोगों ने निकाल लिया, ईंधन जला दिया गया, क्या आप वापस, क्या ऐसी प्रक्रिया बनेगी कि वहाँ फिर जाके ये स्टोर हो जाए, नहीं होगा ये साइकिल। तो इस तरीके के जो प्रोसेस होते हैं, तो उनको हम लोग अचक्रीय, जीवाश्म ईंधन के तात्पर्य ही वही है, कोयला, पेट्रोलियम जो खोद के निकाला जा रहा है उसका निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम लोग और चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, ये ध्यान रहे, देखिए बातों को आप विशेष ध्यान रहे, ये जो आपने प्रवाह आरेख पढ़ा ये था संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, और ये जो आपने पढ़ा था ये क्या था, ये संसाधनों का वर्गीकरण तथ्यों के आधार पर था, ठीक है, कि अब जैव अजैव किस पे बांटा गया था, तो उत्पत्ति के आधार पर, नवीकरण अनवीकरण किस पे बांटा गया है आपके, समाप्त यानी खत्म होने के हिसाब से, और व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, ये किसके हिसाब से, स्वामित्व के आधार पर, और संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये विकास के स्तर के आधार पर बना गया, ठीक है ना, जो विकसित होंगे देश तो उनमें ज़्यादा मात्रा में भरा पड़ा होगा, ठीक। ये चीज़ों का ध्यान है, थोड़ा सा आप बनाइए इसको रफ कॉपी में, सीखिए, सीख जाएंगे जल्दी से, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाएगा आपका, देख लेते हैं कितना है, है ना, चलिए 9 मिनट का है, 5 मिनट का और कर लेते हैं। फिर संसाधनों के प्रकार पर बात करते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर, अब इनकी डिटेल में चर्चा हम लोग करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमारे जो इन संसाधनों की प्राप्त, मतलब एक जैव संसाधन हो गए ना, तो इन संसाधनों की प्राप्त जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति,
वनस्पति जात है ना, प्राण जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अच्छा ये आप जीवमंडल का मतलब समझ रहे हैं ना, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब होता है जहाँ पे सभी जीव या जीवन रहते हों। जैसे हम लोगों का तालाब है, बस्तियाँ हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब दूसरा बना बात करते हैं हम लोग अजैव संसाधन की। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टाने और धातुएं, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ये सब क्या है, अजैव हैं, जीवन तो है नहीं इनमें। फिर अब समाप्तता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो नवीकरण योग वाले में आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो नवीकरण में अगर बात करते हैं हम लोग, तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें हम नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये हमें एक तो नए नए यूज हो रहे हैं, इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, इनमें मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकते ये, इसलिए इनको नवीकरण योग्य संसाधन कहा गया है। ठीक है, ये अपनाए जा सकते हैं, कभी नष्ट जल्दी जल्दी नहीं होंगे ये। ठीक है, अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से हैं आपके, तो अनवीकरण संसाधन है आपके, जैसे इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। जैसे अभी पेट्रोलियम खनिज की बात की ना मैंने, खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वह एक प्रकार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। समझ में आई ना बात आपको, कि अगर जैसे ये इंजन जल रहे हैं, इंजन में हमने ये सब चलाया तो एक बार ख़त्म तो ख़त्म, अब हम कोई ऐसा साइकिल नहीं है कि जिससे हम इनको वापस फिर से प्राप्त कर सकें। अब स्वामित्व के आधार पर अगर हम लोग बात कर लें, तो स्वामित्व के आधार पर क्या था हम लोगों के, ठीक है, दो थे, व्यक्तिगत थे। तो व्यक्तिगत संसाधन कौन से होंगे, संसाधन निजी व्यक्ति के स्वामित्व मालिक हो, ठीक है ना, जैसे हमारा घर है, ठीक है, इस तरीके के हमारे व्यक्तिगत कपड़े हैं, तो किसान की ज़मीन है ना, बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि की स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहर में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के एक सूची तैयार कीजिए, ठीक है, ये आपका उम्र का आप चर्चा कर सकते हैं अगर आपके पास जैसा वक्त हो, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप सीखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा कौन सा था, सामुदायिक, है ना, तीन भागों में बांटा गया था। तो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हैं, ये वे संसाधन होते हैं जो समुदाय के लिए होते हैं, ठीक है ना, सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे आप सरकारी नल हो गया तो सामुदायिक ही तो हो गया, गांव में एक कुआं है जो सभी के लिए, मंदिर है, तो ये किस तरीके के हो गए, सामुदायिक हो गए। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं राष्ट्रीय संसाधन की, है ना। अब जैसे इसी में ऊपर वाले में सार्वजनिक पार्क हो गए, पिकनिक स्थल हो गए, खेल के मैदान हो गए, इसके क्या है, सामुदायिक है। अब राष्ट्रीय संसाधन की बात कर लें तो तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सौर संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों की सरकारें ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सार्वजनिक है, अब नहर निकालनी है तो खेत सब सींचे जाएंगे, लेकिन उसमें किसी की स्वामित्व की जगह तो चाहिए, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वहाँ पर ज़मीन वो ले ले और उसको उस पर सबके जिले सार्वजनिक राष्ट्रीय स्तर पर काम जो ज़रूरत है तो उसके लिए वो अपना संसाधन वहाँ बना दे, ठीक है। तो अब नहरें तो किसी व्यक्तिगत नहीं है, देश की हैं, ठीक है। प्राधिकरण का और भूमि अधिग्रहण करने का है जल संसाधन, वन जीवन, राजनीति, सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए ध्यान रहे आपको, जो 12 समुद्री मील होता है तो ये 22.2 किलोमीटर करीब होता है। तो इस तक जो है महासागरीय क्षेत्र में पाया जाने वाला संसाधन राष्ट्र की ही संपदा होता है, मतलब पूरे समुद्र में किसी देश का कब्जा नहीं होता, इस बात का ख्याल रहे। सिर्फ 12 मील, ठीक है, समुद्री मील, वो लंबाई लगभग अगर किलोमीटर में बोले तो 22.2 होती है, ये इतने तक ही होता है, उसके बाद सब संसार है, ठीक है। उसमें किसी व्यक्तिगत कोई भी देश कहीं भी हो वहाँ पर वो कुछ निकाल नहीं सकता है, सिर्फ अपनी सीमा तक 22 किलोमीटर
तक ही उसकी सीमा है, ठीक है, वहीं तक मछुआरे जा सकते हैं और कुछ भी अपना मछलियाँ वगैरह कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं आपके, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ, ठीक है ना, वो सब आ जाते हैं आपके। अब जैसे आपके कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, तटरेखा से 200 समुद्र मील को दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमत के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 200 अभी वो 12 में सिर्फ राष्ट्र का है, उसके बाहर 200 मील तक अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं वो सब उसको कंट्रोल करती हैं, और उसके बाहर अगर किसी को कुछ करना है, कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ, तो उसके लिए आपको पहले अनुमति उन संस्थाओं से लेना होता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की पहचान करें। अब आप ये घर में चर्चा करें या गूगल पर सर्च करें जैसे भी, कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संसाधनों के हैं कौन कौन से, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान के लिए आप कुछ सर्च करें, उसको देखें ढूंढें, तो आपका थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, है ना। हिंद महासागर में क्या है, मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है हमारे किसको, भारत देश को, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय आपको मिले। अब इसकी जानकारी ढूंढें कि कब मिला, कहां तक मिला है, वीडियो इतना ही रखते हैं नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर विकास स्तर और इसकी बाकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए इसको, हैं, सीखते रहिए है।